देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। गांव की दुनिया में आज हम बात करेंगे नागौर जिले के डीडवाना तहसील में स्थित सुद्रासन गांव की, जो कि मोलासर पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। ये गांव देखने में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और विकसित लगता है, लेकिन साथ ही इसका इतिहास और यहां पर प्राचीन काल की सभ्यता के निशान भी देखने को मिल जाते हैं। हजारों साल पुरानी यहाँ की ऐतिहासिक बावड़ी और खुदाई में बार बार मिलने वाले प्राचीन अवशेष भी इस गांव में देखे गए हैं। यहाँ पर सुजल माता के मंदिर के साथ ही इस गांव का इतिहास जुड़ा हुआ है। साथ ही इस मंदिर के अहाते में हजारों बीघा जमीन है, जो आसपास के गांव में कहीं भी नहीं है। आइए चलते हैं सुद्रासन गांव, जो कि चार राजस्व गांवों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें क्यामसर, अहीरों का बास, खोखरों का बास व सुद्रासन शामिल है। सुद्रासन ग्राम पंचायत और इस गांव की दुनिया के बारे में देखिए डीडवाना से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम गांव की दुनिया। गांव की दुनिया कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले के डीडवाना तहसील में मोलासर पंचायत समिति के सुद्रासन गांव में। ये गांव है जिसका नामकरण हुआ है सुजला माता के मंदिर के नाम पर। ये जो सुजला माता का मंदिर था, बाद में आगे चलकर इस गाँव का नाम हो गया सुद्रासन। सुद्रासन जो ग्राम पंचायत, उसके अंदर सुद्रासन, क्यामसर, खोखरों का बास और अहीरों का बास, चार राजस्व गाँवों को मिलाकर ये गाँव बनता है। और डीडवाना तहसील में जो गांवों के माहौल को देखें तो ये गांव आदर्श गांवों की श्रेणी में आता है। यहां पर जो विकास के कार्य हुए हैं, विकास के कार्य भी अनुकरणीय है, लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करने वाले हैं। और गांव का जो माहौल है, उस माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि ये गांव सांप्रदायिक सौहार्द से ओतप्रोत गाँव है। और इस गाँव में कुल वोटरों की संख्या है 5,000 से ऊपर है, 5,500 के करीब यहाँ पर वोटर हैं। और यहाँ पर जो सरपंच है आरती देवी, उसके द्वारा जो गांव में कार्य करवाए जा रहे हैं, जो पिछले अपने कार्यकाल में जो कार्य करवाए हैं, उनसे सबसे आपका परिचय करवाएंगे। आप देखिए हमारा पूरा कार्यक्रम गांव की दुनिया। गांव की दुनिया में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुद्रासन गांव में। जी हां, व्यवस्थित रूप से बसा ये साफ सुथरा गांव अपने नाम जैसा ही है। अपने आप में गंगा जमनी तहजीब को समेटे इस गांव की सुबह में, जहां एक तरफ मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद की अजान भी सुनाई देती है। गांव के इतिहास और नाम के बारे में बात करने पर पता चला कि कैसे यहां के ठाकुर साहब की दानवीरता की परीक्षा के समय सुजल माता ने खुद प्रकट होकर सहायता की थी। सुद्रासन गांव नागौर जिले के पूर्वी छोर का अंतिम गांव है, जहां से सीकर जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है और सुद्रासन ग्राम पंचायत मारवाड़ व शेखावटी को जोड़ता है। इस गांव के नामकरण को लेकर बुजुर्ग सुलेमान खान बताते हैं कि गांव सुरजल माता मंदिर के कारण इसका नाम सुद्रासन पड़ गया। इस गांव के बारे में जो पुराने बुजुर्गों से हमने जो वार्ता सुनी है, वो ये है कि यहां पर जो सुरजल माता का मंदिर है, वो मंदिर बहुत ही प्राचीन है। उसकी जो मंदिर का निर्माण है और उस निर्माण के अंदर जो लगी हुई मूर्तियाँ वगैरह हैं, वो बहुत ही प्राचीन है। और इसके अलावा गांव के अंदर ऐतिहासिक बावड़ी है, इस बावड़ी के अंदर जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, वो बहुत ही पुराने हैं। और इस सुरजल माता के मंदिर के नाम से ही इस सुद्रासन गांव का गांव जो आबादी है, वो गांव का नामकरण हुआ। यहां पर 5,500 मतदाता हैं और चारों गांवों की आबादी 8,000 के करीब है। यहाँ से सीकर नागौर जोधपुर रोड निकलती है, जो गांव के बीचों बीच होकर गुजरती है। मैं पूरी पंचायत के समर्थन से ही सरपंच बनी हूँ और मैंने जो भी पंचायत में विकास की कमी थी उसको पूरा किया है। आज सुद्रासन ग्राम पंचायत विकासशील गांवों की दृष्टि में सबसे ऊपर है और महिला दिवस पर जिला कलेक्टर द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है। और मैं पूरे चारों गांव वालों का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे हर काम में सहयोग किया। सुद्रासन गांव को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो यह एक ऐतिहासिक और विकसित गांव नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव की हर गली में सड़क बनी हुई है, जहां कभी हरदम कीचड़ हुआ करता था, वहां आजकल पक्की सीमेंट ब्लॉक या डामर की बनी हुई है, नालियां बनी हुई हैं। सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार शर्मा बताते हैं कि आरती देवी के सरपंच बनने के बाद गांव का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। यहां हाल ही में 2 करोड़ से ऊपर की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। पीने के पानी के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक उच्च जलाशय की टंकी का निर्माण जारी है, जिससे यहाँ के लोगों को पीने के लिए हिमालय का मीठा पानी मिलने लगेगा। साथ ही यूको बैंक भी यहाँ स्थापित हो चुका है। पेट्रोल पंप, दो एटीएम भी यहाँ पर लग चुके हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जैसे हॉस्पिटल है, बैंक है, पशु चिकित्सालय है, मेन रोड है, सड़क है, गाँव में गलियों में गंदगी है, उसका निस्तारण किया है। और शायद भी ऐसी कोई मोटी समस्या है गांव में कि अब जरूरत है, तो छोटी मोटी समस्या उसको हम कर रहे हैं। 2015 से लेकर आज तक रेगुलर काम करे। विकास के मामले में मैंने 3 बीघा जगह डोनेट करके हॉस्पिटल PHC बनवाई है 2 करोड़ रुपए की। उसके बाद में 6 किलोमीटर डामर की रोड बनवाई है, 3 किलोमीटर पायली रास्ते पर, 3 किलोमीटर मोलडूंगे रास्ते पर, और 25 लाख का बजट ला करके पशु चिकित्सालय बनवाए, उनकी भूमि डोनेट करवाई है। दोनों गांव सुद्रासन और क्यामसर में 1-1 किलोमीटर नया गोरुपथ और नाली बनवाई है। और ये जलदाय युवा की टंकी चल रही है। जो मोटी मूलभूत समस्या थी वो हमारे गांव में अब नहीं है। गांव के ग्रामीण सेवानिवृत्त सूबेदार राधाकृष्णन चौधरी बताते हैं कि इस गांव का माहौल जैसा है वैसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार शादी विवाह में शरीक होते हैं, जो कि अनुकरणीय है। सद्भावना का माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ पूरे कई धर्म इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये कौन सा धर्म है, क्या है, हम तो सब सोचते हैं इंसान है, सब इंसान है, परिवार की तरह रहते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या बौद्ध हो। गाँव के युवा मनफूल चौधरी, क्यामसर के ओम प्रकाश व भवानी सिंह बताते हैं कि वर्तमान सरपंच आरती देवी के कार्यकाल में गांव की काया पलट हो गई है। इस गांव को देखकर लगता है कि हम किसी कस्बे में आ गए हैं। जो 50 साल गांव पीछे था, उसको इस 5 सालों में आरती देवी सरपंच बनने के बाद में ये इतना काम विकसित हुआ है कि हम खुशी से आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो विकास हुआ है वो इस 5 सालों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ग्राम पंचायत सुद्रासन का जो अभी का जो कार्यकाल सरपंच श्रीमती आरती देवी का चल रहा है, उसके बारे में मैं तो निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि पिछले 50 वर्षों में जिस काम के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे वो काम अब जाके सफल हुआ है। अभी गाँव में जैसे खोखरों का वास है, अहरों का वास है, सुद्रासन है, क्यामसर है, 4 गांव हैं, तो इन गांवों में आप देखेंगे तो गंदगी से हमें एक तरह से निजात मिल गई है। सुद्रासन गांव में कई वर्षों से पानी की समस्या थी, जिसके इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत इस टंकी का निर्माण हो रहा है। सुद्रासन ग्राम पंचायत में 4.5 लाख लीटर की ये पानी की टंकी है और इससे पंचायत में पानी की समस्या का समाधान होगा। नागौर जिले का बॉर्डर का गांव होने की वजह से यहां एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यामसर में, एक सेकेंडरी स्कूल सुद्रासन में और एक एक मिडिल स्कूल अहीरो का बास और खोखरों के बास में भी है। इसके अलावा निजी स्कूलों की संख्या आधा दर्जन से ऊपर है, जिसके कारण शिक्षा को लेकर एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके चलते यहां से एक शिक्षक का बेटा रामनिवास IAS, असलम खान RAS, नवाब खान RPS, शफीक खान पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हैं। वहीं कर्नल की पोस्ट से इब्राहिम खान सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका बेटा भी लेफ्टिनेंट पद पर भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। यहां डॉक्टर, इंजीनियर, सेना में कैप्टन, सूबेदार, पुलिस में सिपाही व अध्यापकों की संख्या भी काफी है, जिससे गाँव का शैक्षिक स्तर दिनों दिन सुधरता जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से सुद्रासन एक विकसित गांव है। काफ़ी समय पूर्व से यहाँ के जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में आते रहे हैं, बड़े बड़े औहदों पे आते रहे हैं। जैसे सुद्रासन ग्राम से एक IAS निकला हुआ है, 2 RPS यहाँ से निकले हुए हैं, एक RS प्रॉपर निकला हुआ है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो सुद्रासन से बहुत सारे अभ्यर्थी है जो शिक्षा विभाग में लगातार कार्यरत है। शिक्षा की तरफ से बहुत ही और गाँव आस पास के गाँव से आगे है। हमारे गाँव में 3 लेक्चरर हैं और 5 डॉक्टर है और 2 RS IPS है और 2-3 CI है और सेना में कर्नल, 2 कर्नल हैं और इंजीनियरिंग में भी
एक सबसे बड़ा राजस्थान का बड़ा अधिकारी है। गांव के किसान हीरा राम चौधरी बताते हैं कि चारों गांव में मीठा पानी होने की वजह से यहां पर हर सीजन में अच्छी पैदावार होती है और किसान बढ़ चढ़ कर खेती का काम करते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को लेकर सरकार से मांग करते हैं कि चाहे बिजली की समस्या हो या कर्ज माफी की, उन पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरे गुरु जी किसान थे, यहाँ का सुद्रासन ग्राम पंचायत में चारों गांव पड़ते हैं। क्या सर, सुद्रासन, अहिरुआबास, ठोकरुआबास, चारों गांव में मीठा पानी है और अच्छी फसल होती है। रबी की और खरीफ की दोनों फसलें अच्छी होती है। बिजली का मुद्दा है तो किसानों के लिए भी ये VCR भर रहे हैं और भर रहे हैं, तो बिजली का कोई चोरी नहीं करना चाहता है। सिर्फ किसान दबाव के कारण ही चोरी करता है, नहीं बिजली से कोई मरने के लिए कोई राजी नहीं है। गांव में इन दिनों हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक गौशाला को स्थापित करने में लगे हैं, जिससे आधुनिक और इससे सुविधाजनक बनाया जा सके, जिसका नमूना आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीण एकत्र होकर अनाज की बोरियां घर घर से ला रहे हैं और चंदा एकत्र कर गौशाला में गायों के लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वामी अमृतानंद बताते हैं कि गांव में हाल ही में गौ कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर चंदा एकत्र किया और गायों को सुरक्षित रखने के लिए जिस गौशाला का निर्माण किया जा रहा है वे एक अच्छी गौशाला बनने जा रही है। इसका संदेश आसपास के इलाके में जाएगा। इस विषय में तो यही है कि सुद्रासन और क्यामसर जो ग्राम पंचायत है उसमें गौ माता के प्रति जो भाव जगे हैं लोगों में वो अच्छे भाव हैं और इनसे सबको सीख लेनी चाहिए और सबको ऐसा करना चाहिए कि भाई जैसे ग्राम पंचायत में सुद्रासन में हो रहा है, क्यामसर में हो रहा है, सबको ये जागरूकता रखनी चाहिए। क्यों, गाय संस्कृति की दाता है, सारी संस्कृति का मूल है गौ माता, और सभी से निवेदन भी है, सब इससे सीख भी ले कि ये लोग अच्छा करें तो हम भी अच्छा करें। और एक गौशाला के माध्यम से गायों को जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिल गया, भोजन के लिए जिनके चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी वह व्यवस्था, और सभी एक जगह। और मैं तो समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस गांव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि अभी भी गांव में सड़क व नाली की समस्या बरकरार है, जिसका निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। मेघवालों के मोहल्ले में जब एवन टीवी की टीम गई तो जीवन राम व तनसुख प्रजापत ने बताया कि गांव में मोहल्ला अभी भी सड़क से वंचित है, जिसकी वजह से यहां कीचड़ फैला रहता है और आने जाने में काफी दिक्कत होती है। हमारे गांव में सुधर में मेघवालों के मोहल्ले में कीचड़ है, सड़क नहीं है, पूरी कीचड़ हो रखा है और पूरे गाँव में कहीं भी कीचड़ नहीं है, इसलिए इसे समाधान किया, सड़क भी बनाई जाए, नालियों की व्यवस्था की जाए। सुद्रासन ग्राम पंचायत में करीब करीब चारों तरफ विकास हुआ, लेकिन मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो मोहल्ला अभी तक रोड और नाली से वंचित है और दुनिया भर का कीचड़ हो रखा है, तो उसका समाधान करा। तो ये थी सुद्रासन गांव की दुनिया। आगे भी हम आपको लेकर चलेंगे किसी और गांव की दुनिया में। देखते रहिए एवन टीवी।